यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टेक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। आज हम बात करेंगे डिडक्शंस अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बजट 2000 की काफ़ी चर्चा हो रही है और मिडिल क्लास अपने पर्सनल इनकम टैक्स में उलझा हुआ है और समझ रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पर उसे एग्जेम्पशंस और डिडक्शन की सुविधाएं नहीं मिलेगी। आज हम इस स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे कि क्या ये पूर्णतया सही है या आंशिक रूप से सही है। इस वीडियो के बाद आप इस पोजिशन में होंगे कि आप डिसाइड कर सकें कि न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन और डिडक्शन की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, इस पर आप निर्णय खुद ले सकें। आज हम बात करेंगे उन तीन डिडक्शंस की जो कि न्यू टैक्स रिजीम 2023 में ये अवेलेबल है, और उसमें से सबसे पहला जो डिडक्शंस है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में एक आम राय है ये केवल सैलरी क्लास को ही मिलता है, लेकिन ये बात पूर्णतया सही नहीं है, ये आंशिक रूप से सही है। ये डिडक्शन सबसे पहले सैलरी क्लास को मिलता है जिसकी कि फिक्स लिमिट 50,000 रुपये है। दूसरा क्लास है पेंशनर क्लास, उसकी भी फिक्स लिमिट 50,000 रुपये है। और तीसरा क्लास है फैमिली पेंशनर, उसकी लिमिट 15,000 फिक्स है। फ्रेंड्स, एक जानकारी दे दूं मैं कि फैमिली पेंशनर का इनकम सैलरी में सैलरी ग्रुप में कंप्यूट नहीं होता है, बल्कि ये अदर सोर्स में कंप्यूट होता है। और इनकम के सोर्स के बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इनकम के सोर्स कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर दूं कि सैलरीड और पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का, ये फिक्स लिमिट है, और फैमिली पेंशनर को ये मिलेगा 15,000 रुपए। ये हुआ पहला डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। दूसरा डिडक्शन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज एनपीएस अकाउंट विच कम्स अंडर ATCCD2, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन ATCCD2। इस एक्ट में ये एक्ट बताता है कि यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉई अपने डिडक्शन में क्लेम कर सकता है, लेकिन उसमें एक सीमाएं हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी होगा, उतना ही आपका एलिजिबल होंगे फॉर क्लेम एंड डिडक्शंस। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो वो सीमाएं 14% है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का मतलब केवल सैलरी, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी का मतलब सैलरी और डीए, इन दोनों को मिला के जो 40% होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में केवल सैलरी का 10% इज द लिमिट वेयर यू कैन क्लेम द डिडक्शंस इफ एम्प्लॉयर हैज कंट्रीब्यूटेड अप टू दैट एक्सटेंट। और तीसरा तरह का डिडक्शन अवेलेबल है अंडर न्यू टैक्स रिजीम, वो है कंट्रीब्यूशन मेड टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2022 में सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया है, और इसमें कहा गया है कि 30% ऑफ द अग्निवीर पैकेज, जितना पैकेज अग्निवीर को मिलेगा उसका 30% यदि आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिलेंगे, और वो 30% जो अग्निवीर अपना कंट्रीब्यूट करेगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में, सरकार उसमें से उतना ही कंट्रीब्यूट सरकार भी करेगी, और इन दोनों कंट्रीब्यूशन पे जो भी 4 साल का इंटरेस्ट होगा, 4 साल के बाद अग्निवीर को सेवा निधि के रूप में वापस कर दिया जाएगा, जो कि पूर्णतया एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में बिल्कुल बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, RDB एक्ट और सरफेस एक्ट के बारे में वीडियो डाली जाती हैं। यदि आपको कोई वीडियो इसमें से देखना हो, इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट टैक्सेशन के सारे वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।